नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़े पर्दे पर हमेशा चेहरे पर मुस्कान ले आने वाले राजू श्रीवास्तव को परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी पाकिस्तान से आई व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई है। राजू श्रीवास्तव को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। राजू श्रीवास्तव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भी मजाक उड़ा चुके हैं, लेकिन उनका ये अंदाज पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। कानपुर के बर्रा में रहने वाले राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना के मोबाइल पर शुक्रवार शाम पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने राजू श्रीवास्तव को गालियां दी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी राजू श्रीवास्तव ने वीडियो संदेश जारी करके दी है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि इन दिनों मुझे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, कॉलर मुझे जान से मारने की बात कर रहा है और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र में मैंने जन्म लिया, हिंदुत्व पर मुझे सदैव गर्व होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राजू श्रीवास्तव को बीते 28 दिसंबर 2020 को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना के मोबाइल फोन पर पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें राजू श्रीवास्तव को जान से मारने की धमकी दी गई और कॉल करने वाले ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ने की सलाह दी। राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार ने इसकी बर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। किसी अदाकार को इस तरह की धमकी देना वाकई में कितना अजीब है। पाकिस्तान आखिर और कितना गिरेगा? इस तरह की ओछी हरकतें पाकिस्तान को हमेशा दुनिया के सामने नीचा गिराती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।